आदाब, खैरियत से है ना? अच्छा है ना? हाँ जी, आज हमें ये खेल से शुरू करें। तैयार है ना? इन्नते क्लास से पूरी खाली कर दो, ठीक है जी? देखिए और से, देखिए, हाँ देखा। खेलने के लिए दो आलात जरूरी है, दो आलात जरूरी है, रंड और इधर बांगटो, उन्हें एक कलम, दो किताब, कलम और किताब जरूरी है, ठीक है? तस्वीर में कौन कौन है? तस्वीर में जानवर है, परिंदे हैं, मुजक्कर जानवर है, मुअन्नस जानवर है, मुजक्कर परिंदे हैं, मुअन्नस परिंदे हैं जी, ठीक है। मेरा सवाल ये है, तैयार है ना? मेरा सवाल ये है, और से सुनिए, तस्वीर में कौन कौन से परिंदे हैं? नाम लिखिए। तस्वीर में कौन कौन से परिंदे हैं? नाम लिखिए। चित्र में ये दल्या पक्षी गुंडे, नाम लिखिए। जल्दी से लिखो, जल्दी। पांच, चार, तीन, दो, दो, एक। अच्छा, कितने परिंदे हैं? कितने हैं? चार परिंदे हैं, ठीक है? देखिए जी, उत्तरम यत्र शरीयाय एन्नुल्लत कमेंट चेय्यणे, ठीक है? प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे थे, अच्छे बच्चे हैं, इसलिए ये वीडियो देखे। अंदर का दांगा कोर कत्तुंड। മകളെ കുട്ടിന്റെന്നാ തോന്നണത്? ആ, എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവര്, ഓപ്പ പോയിട്ട് 3 മാസം കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങള് കോളടിച്ചെന്നാ തോന്നണത്? ഇതിൽ കാര്യായിട്ട് എന്തോ ഉണ്ട്, നല്ല കട്ടിയുണ്ട്, തുറന്നു നോക്കി. ഓൻ കുരുത്തുള്ളവനാ, ഓ നമ്മളൊന്നും മറന്നില്ലല്ലോ. ഇത് നമ്മള് ഐതരുവിന്റെ കത്താ. സുബൈദാന്റെ മോന്, വീരനെ, വീരനെ, ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നാ. എന്നാ എന്റെ പെങ്ങളെ മകന്റെ കത്ത് തന്നാണ്, ഇതൊന്നിങ്ങോട്ട് വായിച്ചാജി. പ്രിയപ്പെട്ട വല്യപ്പ, വല്യമ്മ, വലിയ അമ്മോൻ, ചെറിയ അമ്മോൻ, അമ്മായി, കുട്ടികൾ എന്നിവർ അറിയുവാൻ. ജിദ്ദയിൽ നിന്നും ഹൈദരാലി എഴുത്ത്. എനിക്കിവിടെ പരമസുഖമാണ്. ഇതിന്റെ കൂടെ 25,000 രൂപയുടെ ചെക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ 10,000 രൂപ വല്യപ്പക്കും. ഒന്നുകൂടി വായിച്ച, 10,000 രൂപ വല്യപ്പക്കു. ആ നാല്, അത് എനിക്കുള്ളതാ, അത് ജിന്റെ കജി തന്നെ തരണോ?
ഞാൻ അതും ചോദിച്ച് ഇന്റെ പരങ്ങാനും പെണ്ണാളുണ്ടല്ലോ. ഓനേതായാലും ഉസിറുള്ളോനാ. 500 കുട്ടികൾക്കും ഓൾതെ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ കഴിപ്പിച്ചോളാം. കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കത്തെഴുതാനാണ് ആഗ്രഹം. പക്ഷേ ഇതുവരെ പണിയൊന്നും ശരിയായിട്ടില്ല. क्या आपने खत लिखा है? नहीं, खत लिखा नहीं. फिर क्या करते हैं? मैसेज भेजने के लिए फिर क्या करते हैं आप लोग? മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ വിവരം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ? എന്ത് ക്യാ? ആ ബോലിയ വച്ചോ. ആ വാട്സപ്പ് അച്ഛാ ഹേ. ഫിർ ആ ഫേസ്ബുക്ക് ടീക്ക് ഹേ. ഫിർ ബോലിയേ. വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ആ ഇമെയിൽ ഇമെയിൽ പേർ ടെലഗ്രാം പേർ ട്വിറ്റർ പേർ ഫോൺ കോൾ ക്യാ ക്യാ ഹേ ആ ഖബർ ഭേജനെ കെ ലിയേ ക്യാ ക്യാ തരീഖാ ഹേ ബോലിയേ. हाँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल, हाँ, टेलीग्राम, ट्विटर, फोन कॉल. ठीक है दोस्तों, गुजरे हुए ज़माने में खबरें भेजने के लिए खत इस्तेमाल करते हैं. പഴയ കാലത്ത് വാർത്തകൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഹത്ത് ഹേ. ടീക്കേ ഹമാരി ദർസി കിതാബ് മേ ബി ഏക് ഹത്ത് ഹേ. ഹമാരി ദർസി കിതാബ് മേ ബി ഏക് ഹത്ത് ഹേ. ദേഖിയേ ബച്ചോ ഓർസേ ദേഖേ. हेडिंग देखिए, इजाज़त दीजिए. इजाज़त दीजिए कासरगोड 2 जुलाई 2015 कासरगोड 2 जुलाई 2015 प्यारे अब्बा जान आदाब. प्यारे अब्बा जान आदाब. उम्मीद है कि आप खैरो आफियत से होंगे. उम्मीद है कि आप खैरो आफियत से होंगे. हम सब यहाँ ठीक है. हम सब यहाँ ठीक है. मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है. मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है. अगले हफ्ते हमारी जमात के सभी साथी स्कूल से तालीमी सफ़र पर मैसूर जा रहे हैं. अगले हफ्ते हमारी जमात के सभी साथी स्कूल से
तालीमी सफर पर मैसूर जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। इसके लिए आपकी इजाज़त चाहता हूँ। इसके लिए आपकी इजाज़त चाहता हूँ। आपका प्यारा बेटा, आपका प्यारा बेटा अमजद। दोस्तों सुने, सुना है खत में क्या क्या है? देखिए और भी देखिए, हेडिंग इजाजत दीजिए, परमिशन दीजिए, इजाजत तमाम, ठीक है। उसके नीचे देखो कासरगोड, ये एक जगह का नाम है, एक जगह का नाम है कासरगोड, कन्नूर, कोड़ीकोड, मलापुरा, पालक्काड, इसी तरह एक जगह का नाम है कासरगोड। उसके नीचे देखो तारीख, डेट, देखिए 2 जुलाई 2015, ठीक है, खत लिखने की तारीख है, ठीक है। उसके नीचे देखो माय डियर फादर, प्यारे अब्बा जान, माय डियर फादर आदाब। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ താങ്കൾക്കൊക്കെ സുഖമായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. കത്തെഴുതുമ്പോൾ എഴുതുന്ന രൂപം ടിക്കേ കേട്ടോ, ഹം സബ് യഹാ ടിക് ഹേ, ഹം സബ് നമ്മളെല്ലാവരും, യഹാ അച്ഛാ ഹേ, ഇവിടെ അച്ഛാ ഹേ ജി। मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, पढ़ाई पढ़ना, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, ठीक है। अगले हफ्ते हमारी जमात के सभी सब स्कूल से तालीमी सफर पर मैसूर जा रहे हैं। देखिए अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते हमारी जमात के, हमारी क्लास के सभी साथी, सभी दोस्तों स्कूल से तालीमी सफर स्टडी टूर स्कूल से तालीमी सफर पर मैसूर जा रहे हैं। कहाँ हैं? देखिए अगले हफ्ते हमारे जमात के सभी सब स्कूल से तालीमी सफर पर मैसूर जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक में हमारी क्लास के सभी दोस्तों स्कूल से स्टडी टूर करने के लिए मैसूर जा रहे हैं, ठीक है। मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ, मैं भी यानी उनके साथ जाना चाहता हूँ, आग्रही कुंडे, इसलिए आपकी इजाजत चाहता हूँ। इजाजत आया परमिशन, आपकी इजाजत चाहता हूँ, ठीक है। उसके नीचे देखो छोटा, देखा आपका प्यारा बेटा, नाम क्या, अमजद।
मेरे साथ आप लोग एक बार पढ़िए। इजाजत दीजिए, कासरकोट 2 जुलाई 2015। प्यारे अब्बाजान, आदाब। उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। हम सब यहाँ ठीक है। मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। अगले हफ्ते हमारी जमात के सभी साथी स्कूल से तालीमी सफ़र पर मैसूर जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। इसके लिए आपकी इजाज़त चाहता हूँ। आपका प्यारा बेटा अमजद। दोस्तों, खत पढ़ा? क्या पढ़ा है? हाँ जी, ये खत किसका है? किसका खत है? हाँ, अमजद। ये खत अमजद का खत है। किसको लिखे हैं? किसको लिखा है? हाँ, अमजद के अब्बा जान को लिखा है। अमजद ने अब्बा जान को लिखा है। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारा अमजद का खत है। देखा, अमजद का खत है, हम लिखे हैं। फिर क्या करते हैं? लिखकर खत क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ, देखिए ऐसा कर। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ये क्या? खबर? उर्दू में खबर नहीं, क्या? लिफाफा। उर्दू में खबर को लिफाफा बोलते हैं, लिफाफा। ठीक है, ये खत लिफाफा के अंदर में डाल फेरा बच्चों। ठीक है, लिफाफा के अंदर में खत है। ठीक है, जहां क्या लिखा है? क्या लिखा है? हाँ बोलिए, क्या? एड्रेस। उर्दू में एड्रेस नहीं, उर्दू में पता। क्या? पता। पता एड्रेस। ठीक है, ये लिफाफा है, उस पर हाँ पता है। ठीक है, ये क्या है? स्टाम्प। उर्दू में डाक टिकट। क्या? स्टाम्प को डाक टिकट। अच्छा है, उसमें लिखाना। हाँ दोस्तों, ये लिफाफा है, ये पता है, ये डाक टिकट है। उसके बाद क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? ये सब क्या करते हैं? पिनंदा चाहिए जेब में डालिए बच्चों। जेब में है? ए नहीं, कहाँ के डाले हैं? कहाँ? हाँ बोलिए, हाँ पोस्ट बॉक्स। उर्दू में डाक बॉक्स। डाक बॉक्स में डालना है। डाक बॉक्स कहाँ है? डाक बॉक्स कहाँ है?
पोस्ट बॉक्स एवडे एवडे बोलिए कहाँ है? हाँ, पोस्ट ऑफिस के सामने। पोस्ट ऑफिस उर्दू में डाकघर, डाकघर। हाँ, डाक बॉक्स डाकघर के सामने है। ठीक है, ये सब डाक बॉक्स से कौन ले जाते हैं? कौन ले जाते हैं? हाँ बताइए, पोस्टमैन। हाँ जी, उर्दू में डाकिया, खत डाकिया ले जाते हैं। खत डाकिया ले जाता है। अभी क्या क्या बोला? हाँ बच्चों बोलिए, ये लिफाफा है, इस पर पता है, डाक टिकट है, फिर हाँ डाक बॉक्स में डाल दिया है, फिर डाक बॉक्स कहाँ है? हाँ डाकघर के सामने है, डाकघर। अच्छा, फिर डाकिया आता है। ठीक है बच्चों, ये देखिए दर्सी किताब की सरगर्मी है। देखें, ये पद सूर्य है। देखिए, हाँ खत का पद सूर्य। ये सब पूरा कीजिए, ये लिखकर तुम्हारे टीचर को भेज दीजिए। आज का क्लास में दो सरगर्मियां हैं, एक लफ्जी सूरत पूरा करके तुम्हारे टीचर को भेजिए, दूसरी सरगर्मी दूर दूर तक खबरें पहुंचाने के लिए आजकल क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं लिखिए। ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് പ്രവർത്തനമുണ്ട്. ഒന്ന്, കത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ എഴുതി പദസൂര്യം പൂർത്തിയാക്കുക. രണ്ടാമത്തേത്, ദൂരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വർത്തമാനങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രണ്ടും വൃത്തിയായി നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണേ. ശുക്രിയ. ഖുദാ ഹാഫിസ്.